हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत काम का डिवाइस जो कि है टाइप सी टू यूएसबी हब। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल या टैब से काफ़ी ज़्यादा टाइपिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो हाथ से टाइप करते करते आप थक जाते होंगे। उस केस में ये डिवाइस यूज़ करके आप उसे अपने फिज़िकल कीबोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, छोटा सा डिवाइस है जिसे मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है। बॉक्स में कुछ नहीं है, अनबॉक्स कर दिया मैंने बातें बातों में, और देखिए अंदर से खाली है पूरी तरह से। सिर्फ एक ये डिवाइस है, इसको निकालते हैं बाहर। बहुत ही सस्ता सा डिवाइस है, सिर्फ 319 रुपये में मुझे ये मिल गया है और डिलीवरी भी फ्री थी। तो ये देखिए वेरिलक्स कंपनी का है। इसकी बॉडी सिल्वर ग्रे कलर में है जो कि मेटेलिक है, और अंदर ब्लू कलर के पोर्ट्स दिए गए हैं। इसमें हम 1, 2, 3, 4 तो 4 हम इसमें यूएसबी डिवाइसेस लगा सकते हैं। यहाँ से ये सी टाइप पोर्ट है। इस सी टाइप पोर्ट को आप अपने टैब या मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर आप कीबोर्ड लगा सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से लगा कर देखते हैं और इसको यूज़ करके देखते हैं। तो ये हमारे पास एक टैबलेट है, सैमसंग का है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, जिसमें कि सी पोर्ट है। तो इस सी पोर्ट पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे, और अब यहाँ किसी भी पोर्ट पर हम इन तीनों में या यहाँ पर एक कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास एक कीबोर्ड है, फुल साइज कीबोर्ड है। आप छोटा कीबोर्ड भी ले सकते हैं अगर आपको मिल जाए तो। तो हम यही कीबोर्ड ले रहे हैं और एक ले लेते हैं माउस। ये माउस फिलहाल मैंने इसे अपने कंप्यूटर से ही निकाल लिया है, कीबोर्ड और माउस को। तो इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, पहले हम माउस को कनेक्ट कर लेते हैं, कीबोर्ड को कनेक्ट कर लिया। देखिए कीबोर्ड कनेक्ट होते ही उसमें लाइट आ गई है। अब ये पावर इस टैब से ले रहा है। माउस को भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये माउस का कनेक्टर, इसको हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, और माउस को कनेक्ट कर दिया है। देखिए माउस में भी लाइट आ गई है। माउस और कीबोर्ड दोनों कनेक्ट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, माउस का कर्सर यहाँ पर आपको नज़र आएगा। देखिए ये माउस का कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा। तो यूज़ करते हैं इसको, पहले हम अनलॉक कर लेते हैं। अब हम सब कुछ माउस से ही करेंगे। देखिए माउस से हम स्वाइप भी कर सकते हैं। अनलॉक कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ टाइप करके देखते हैं। देखिए हम चाहें तो नॉर्मली टाइप कर सकते हैं, लेकिन एक फिज़िकल कीबोर्ड से टाइप करने में एक अलग ही कंफर्ट है। तो हमारे पास ये है कीबोर्ड है, कीबोर्ड से मैं टाइप करता हूँ। तो आपने देखा कितनी तेज़ी से टाइप कर पा रहे हैं हम। अगर यही सब मुझे यहाँ पर एंड्रॉयड कीबोर्ड से टाइप करना हो तो कितना टाइम लगने वाला था। तो इस तरह से हम इस डिवाइस को यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से काम कर सकते हैं। ये उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि काफ़ी एडिटिंग करते हैं या टाइपिंग करते हैं, तो उनके लिए ये डिवाइस वाकई में कमाल का है। छोटा सा डिवाइस है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए बहुत ही छोटा सा डिवाइस है, मेरी एक उंगली से थोड़ा सा फालतू है, और ये केबल है इसके साथ। केबल भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एल्युमिनियम मटेरियल है, और इसको आप इजीली अपनी पॉकेट में रखकर भी कहीं ले जा सकते हैं। अब अगर आपके पास एक हैंडी कीबोर्ड है, एक हैंडी माउस है, तो ये डिवाइस वाकई में आपके काम का है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये डिवाइस कनेक्ट करने के बाद भी आपका फिज़िकल कीबोर्ड आपके मोबाइल या टैब के साथ कनेक्ट ना हो पाए, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो तैयार की है, आप उसे देख सकते हैं। ये डिवाइस ख़रीदने का अगर आपका विचार बने वीडियो देखने के बाद, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे क्लिक करके इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, अमेज़ोन पे परचेज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।